एपिसोड के स्टार्ट में गन किंग से कहता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम और रुआ एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हो। तभी दोनों एक साथ यस कहते हैं, तो यह सुनकर गन तो शॉक हो जाते हैं। तभी जेड कहते हैं, अगर किंग और रुआ एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं तो फिर मैं ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कुत्तों के साथ भौंकूंगा। तो किंग जेड के शोल्डर पे हाथ रख के कहते हैं कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वाह क्या तुम भी हमारे साथ बाहर आना चाहोगे? मैं भी देखना चाहता हूँ कि जेड कुत्तों के साथ कैसे भूखते हैं। तभी जेड कहता है, किंग मुझे परेशान करना बंद करो। तो किंग गन से कहते हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तभी जेड गन से कहते हैं, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम डॉग फूड खा कर दिखाओ। तो जेड कहते हैं, अगर किंग और वह सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो फिर जेड ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कुत्तों के साथ भौंकेगा, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो फिर मैं डॉग फूड खा लूँगा। तो किंग फिर जेड से कहते हैं कि मैं भी गन की साइड ही हूँ, और फिर जेड और गन की इस बात पर डील हो जाती है। और तभी मंगोल के फ़ोन से वियर्ड आवाज़ आने लगती, तो सभी उसी की तरफ देखने लगते हैं। मंगोल कहते हैं कि मुझे लगता है मेरा फ़ोन किसी ने चुरा लिया। और तभी सभी के पास मैसेज आता है कि रत ने वह को ऑफिस में बुलाया था। और वह जब जाने लगता है तो जेड कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वह मना करते हुए कहता है, कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। और जब वह जा रहा होता है तो मंगोल वह के रास्ते में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो वह मना करके वहाँ से चला जाते हैं। और किंग भी वह को लेकर बहुत परेशान होते हैं। और जब वह किरत के पास जाता है तो किरत कहते हैं कि अभी मेरे फ्रेंड ने सुखमवित में एक रेस्टोरेंट खोला है, तो अगर तुम शाम को फ्री हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि मैं आजकल बहुत बिजी रहता हूँ। और फिर वह किरत को ब्रदर करके इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे इसी के लिए बुलाया था। तो फिर किरत ऑफिस से रिलेटेड बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अभी अभी मुझे मार्केटिंग टीम से उनका फीडबैक मिला है, और वो लोग चाहते हैं जो हमने सेलिंग मिशन किया था उसे हम मिड ईयर तक और भी आगे चलाते रहें। तो वह कहते हैं, लेकिन मैंने तो लगभग 80% काम कंप्लीट कर लिया है। तो किरत वह के हाथ पर हाथ रख कर कहते हैं, अगर ये बोझ ज़्यादा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन वह अपना हाथ हटा लेता है और फिर किरत से पूछते हैं कि डेडलाइन कब से है। किरत कहते हैं कि वो जल्दी होने वाली है और मुझे लगता है कि ये वीक ठीक रहेगा। तो वह कहते हैं, मैं इस बारे में कोशिश करूँगा। किरत कहता है, और डिनर के बारे में? वह कहते हैं कि मुझे इस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाते हैं। और जब यही बात आकर वह किंग और बाकी लोगों को बताते हैं तो जेड इससे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग अचानक कंसेप्ट को चेंज क्यों कर रहे हैं। तभी गन कहते हैं, क्या ये किरत का कोई स्कीम है जो वह तुमसे बात करने के लिए यूज कर रहे हैं? वह कहते हैं, एक्चुअली मैंने भी मार्केटिंग टीम से माइल्ड के बारे में सुना था, और उन लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ही फीडबैक भेज दिया था, और अब वह मुझ पर इस चीज़ के लिए प्रेशर बना रहे हैं। तो जेड जोर से कहता है, किस लिए? तभी मंगोल उठ कर कहता है कि क्या कुछ गलत हुआ है? तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? जेड कहता है कि ये काम से रिलेटेड है, तो क्या तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो? मंगोल कहता है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और किंग चुपचाप बस वह की तरफ ही देख रहा था। और वह कहता है कि मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जेड कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। तो वह हूँ कहकर वहाँ से चला जाते हैं। और थोड़ी देर बाद में किंग सभी के लिए ड्रिंक लेकर आता है, और जब वह ड्रिंक पीता है तो वह को वो काफ़ी पसंद आती है। तो वह किंग को थैंक यू बोलते हैं और किंग खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे किरत आ जाते हैं और वह वह को काम बताने के बहाने उसे टच करने लगते हैं। किंग भी ये देख लेते हैं और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब किरत वह के क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो किंग वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे जेड उठकर चला जाता है।
और वह किरत को उठा कर कहते हैं, क्या मुझे भी अपने काम में कुछ चेंज करना है। किरत मना कर देता है और फिर वहाँ से एक्सक्यूज बना कर चला जाता है कि मैं बाद में आकर काम देख लूँगा। और जेड फिर वह की तरफ देखने लगते हैं। गाइस, जेड जैसा फ्रेंड तो सभी के पास होना चाहिए जो अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहा है। और किंग इसी परेशान की वजह से स्मोकिंग करने लगते हैं और तभी उसे उआ की बात याद आ जाती है, तो वह सिगरेट को नीचे फेंक देते हैं। और तभी वहाँ पे गन आ जाते हैं और वह किंग से पूछते हैं कि क्या हुआ। किंग कहता है कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तभी गन नोट करता है कि किंग ने सिगरेट को नीचे फेंक दी, तो वह किंग से कहता है कि तुमने स्मोकिंग करना बंद क्यों किया। किंग कहता है कि मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। गन कहता है, लेकिन क्यों। किंग कहता है, क्योंकि किसी को ये पसंद नहीं है। गन कहता है कि वो कौन है। किंग कहता है कि ये अभी सही टाइम नहीं है तुम्हें बताने के लिए। गन कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यूरियस नहीं छोड़ सकते। किंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता और अभी हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। गन कहते हैं, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ। लेकिन किंग कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाते हैं। और शाम को किंग और रुआ दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। किंग वा को देख कर कहते हैं कि तुम बहुत थके हुए से लग रहे हो। वा कहते हैं कि मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। और यह कहकर वा ड्रिंक करने लगते हैं। और वा को ड्रिंक करता हुआ देख कर किंग वा से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी ये बताया है कि तुम बिल्कुल एक किट की तरह लगते हो। और फिर किंग वा की बॉडी को टच करने लगते हैं। वा किंग का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पे किस करता है। तो किंग कहता है कि तुम मेरा एक सेकंड वेट करो। और फिर किंग जाकर एक बॉक्स लेकर आता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या तुम इसे मेरे लिए पहन सकते हो। और जब वह खोल कर देखता है तो उसमें एक किट का हेयर बेल्ट और एक बेल्ट होता है, जिसे देखकर वह किंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या ये हमारे पेट जीतने का कोई रिवॉर्ड है। किंग कहता है, अगर मैं मना करूँ तो। लेकिन अगर तुम इसे पहनना नहीं चाहती तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन जब किंग सावा लेकर आता है तो वह देखता है कि वह ने वो हेयर बेल्ट और उस बेल्ट को पहन रखा था, जिसे देखकर किंग तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे सेक्सीस्ट पर्सन लग रहे हो। और फिर किंग वह के पास चला जाता है और वह बिल्कुल एक किट की तरह वॉक करते हुए किंग के पास आता है और कहता है, ये तुम्हें पसंद आया। किंग कहता है कि तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और तुम बिल्कुल एक किट की तरह लग रहे हो। तो वह स्मेल करने लगता है। वो फिर किंग वह के नेक पे किस करने लगता है। वह कहता है, तो फिर क्या तुम मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो। किंग कुछ नहीं बोलता और वह की बेल्ट पे किस करने लगते हैं। वह कहता है, इतना जल्दी। किंग कहता है कि इस तरीके से तो तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो, तो फिर मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे काफ़ी महीने बड़ा हूँ। तो वह कहता है, तो क्या हुआ। किंग कहता है, तो तुम अपने आप को हुआ और मुझे ब्रदर किंग कहकर बुलाओगे। वह कहते हैं, क्यों, क्या तुम वा के ब्रदर किंग बनना चाहते हो। और यह कहकर वह किंग के लिप्स पे लिक करने लगते हैं और फिर उसे किस करते हैं। फिर किंग भी वह के लिप्स पे लिक करने लगते हैं और फिर वह उसके नेक पे लिक करते हैं। और फिर किंग वह को बेड पे पुश कर देते हैं और फिर से उसे लिक करने लगते हैं। और यहाँ इन दोनों का हॉट सेशन होता है। गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।